सोमवार सुबह उपायुक्त चंबा डीसी राणा द्वारा चंबा अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना रोगियों के लिए किए गए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं इस दौरान उपायुक्त चंबा और एसडीएम चंबा की टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य से इस अस्पताल में कोरोना रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और इस दौरान कोविड वार्ड में जो कमियां पाई गई उन्हें जल्द से सही करने को लेकर उपायुक्त द्वारा निर्देश भी दिए गए। इस बारे जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामकमल ने बताया कि चंबा का ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है और जैसे ही इस प्लांट की वेंडर कंपनी की टीम चंबा पहुंचती है तो इसे शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त चंबा द्वारा इस प्लांट और कोविड वार्ड का दौरा कर सुझाव मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दिए हैं ताकि कोरोना रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से अब रोगियों को ऑक्सीजन की सप्लाई उनके बिस्तर के साथ ही उपलब्ध हो जाएगी और उन्हें अब सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना होगा। आज सुबह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में माननीय हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, एसडीएम, एमएस, इन्होंने जो है पूरे अस्पताल का जायजा लिया और जो पीएसए प्लांट जो है हमारा वो बनकर तैयार हो गया है और इसी के तहत जो है ताकि वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और उसका जो वेंडर है वो जल्दी से जल्दी इसको शुरू कर दे ताकि हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा जो है सारी टीम ने जो है हमारे यहाँ डीसीएच का सेकंड जो कोविड वार्ड की तैयारी है उसको भी देखा और वहाँ का निरीक्षण किया और पूरी टीम ने जो है ये वहाँ जो भी और एडिशनल चीज़ें चाहिए उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं और अभी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास जो है सिलेंडर के साथ हो रही है जो कि सिलेंडर जो है हमारे मंडी से आ रहे हैं और यहाँ जो है लगभग हर रोज़ जो है एक गाड़ी जो है और कभी कभी दो गाड़ियाँ जो है हमें भेजनी पड़ती हैं मंडी के लिए और सिलेंडर जो है अभी तक तो ठीक है मगर जब ये प्लांट शुरू हो जाएगा तो उससे हमारे लिए काफ़ी राहत होगी। सर कब तक ये प्लांट शुरू होगा? ये जो है वो डिपेंड करता है कि वेंडर कब तक आएंगे क्योंकि उनके आने के बाद ही जो है ये प्लांट स्टार्ट हो सकता है। सर और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है यहाँ पर सर तैयार हो? इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार नहीं होंगे, आपको ये बता दें कि ये जो कनेक्शन है यहाँ से दिया जाएगा तो ये जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ 200 के करीब जो है ऑक्सीजन के पॉइंट्स लगाए हैं जहाँ पर ये सप्लाई होगी, उससे क्या होगा कि कम से कम 70 से 80 सिलेंडर जो हैं जो हमारे दिन में लगने हैं वो हमारे बच जाएंगे तो इसलिए जो है वो 70-80 सिलेंडर के 24 आवर्स के अंदर जो लगेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो वो हमारे बच जाएंगे तो ये रोज़ ये जो ऑक्सीजन की जो तराही है वो ख़त्म हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।